ट्रक यूनियन और कैटर यूनियन में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका जिम्मेदार ईटक युवा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री को ठहराया गया। तो आज मंत्री राजीव सहजल भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए और उन्होंने ईटक और ट्रक यूनियन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की छत्र छाया में परमाणु में ट्रक यूनियन प्रदेश में क्या भारत में सबसे ज्यादा किराया और टैक्स वसूलती है और आज भी ये प्रथा चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा ईटक के प्रदेशाध्यक्ष खुद रंगदारी और गुंडा टैक्स वसूलते हैं और आज वह किस मुंह से उनके और भाजपा के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति की आड़ में अब पाप धुलने वाले नहीं हैं, ईटक के पदाधिकारियों के हाथ खून से रंगे हैं। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने तीखे स्वरों में कहा कि ट्रक यूनियन और ईटक के पदाधिकारी जो खुद गुंडा छवि के हैं, जिनकी वजह से परमाणु में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और वह आज उनकी और प्रदेश सरकार की छवि को दागदार बनाना चाहते हैं, जो वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के इशारों पर परमाणु में ट्रक यूनियन के नाम पर गुंडा टैक्स और रंगदारी की दुकान फल फूल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रक यूनियन में प्रोफेशनली गुंडों को बुलाकर परमाणु में दहशत फैला रही है, जिस पर अब प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा की सत्ता में आते ही भाजपा समर्थित कैटर यूनियन ट्रक यूनियन का कब्जा करने का प्रयास कर रही थी, जिसमें कई बार खूनी संघर्ष हो चुका है। यहां तक कि पूर्व ईटक अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा पीजीआई में जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। ईटक युवा प्रदेश अध्यक्ष ने इसका जिम्मेवार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को ठहराया, जिसको लेकर आज मंत्री सैजल ने पलटवार किया। पुलिस ने फिलहाल परमाणु में धारा 144 लगा दी है, लेकिन खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होकर के गुंडा जो है वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, जिसके अपने हाथ जो है वो खुद गुंडागर्दी से रंगे हुए हैं, जो एक गुंडे के तौर पर पिछले कई वर्षों से परमाणु के अंदर जब जब कांग्रेस की सरकार आती है जो एक्सटॉर्शन का काम करता रहा है, वो व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। हमारा राजनीतिक जीवन एक खुली किताब है, कोई एक केस वो बता दे हमारे ऊपर कोई झगड़े का भी या किसी के साथ कोई बदतमीजी का भी कोई केस जो है वो हमारे ऊपर दर्ज हुआ, पूरा प्रदेश जानता है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये घटना जो है ठीक है, हरदीप बाबा जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पिछले कई वर्षों से जो है गुंडागर्दी और जिस प्रकार से वहां पर एक विशेष पार्टी के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा वहां गुंडागर्दी को संरक्षण दिया गया और खुलेआम जो है वो परमाणु के अंदर गुंडा टैक्स इकट्ठा करते रहे पिछले कई सालों से, और ये जो युवा इंटक के जो अध्यक्ष हैं ये एक औजार के माध्यम से एक औजार के तौर पर जो है ये गुंडा टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये व्यक्ति काम करता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपना वर्चस्व वहां पर कायम करना चाहता है।